कहते हैं क्रिकेट भारत में सिर्फ खेल नहीं, जज्बा है, अरमानों का, हौसलों का, कामयाबी का। क्रिकेट ना सिर्फ एक खेल है बल्कि भारतीयों के लिए खुशियां हैं। 1980 के बाद भारतीयों के लिए ये खेल इतना अपना बन गया कि दर्शक अपनी खुशी इस खेल में ढूंढने लगे। पर्सनल जीवन में परेशानियों का सामना करते हुए जब इंसान हार जाता है तब उसे जीत की खुशी क्रिकेट में दिखती है। पर ऐसा भी नहीं है कि 80 के दशक के पहले भारत में क्रिकेट का बोलबाला नहीं था। नए सोच के साथ मैं अनामिका आप सभी के लिए लाई हूँ क्रिकेट और क्रिकेट से जुड़ी कहानियाँ। आज हम उस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कामयाबी का जिक्र आज भी होता आ रहा है। भारत की तरफ से सबसे पहले शतक जड़ने वाले लाला अमरनाथ को हर कोई पहचानता है, पर आज आप इनसे जुड़े कुछ बातों से रूबरू होने वाले हैं। लाला अमरनाथ भरद्वाज जी उस दौर के क्रिकेटर थे जब भारत अंग्रेजों के गुलामी में जी रहा था। ऐसे में पंजाब के कपूरथाला में बसे गरीब और बेसहारा ब्राह्मण परिवार में लाला जी ने जन्म लिया। वो तारीख थी 11 सितंबर 1911। वैसे तो इनके लिए क्रिकेट की कहानी बचपन से शुरू हो गई थी, इसलिए क्रिकेट की कला देखकर एक मुस्लिम परिवार ने लाला जी को गोद ले लिया और उस परिवार के बदौलत वे क्रिकेट में अपना नाम शुमार कर पाए। लाला अमरनाथ की कहानी तीन स्तर से जुड़ी हुई है, दूसरा विश्व युद्ध, भारत की आज़ादी और रिटायरमेंट। आज़ाद भारत के पहले यहाँ क्रिकेट के नाम पर दो प्रकार के लोगों की मनमानी होती थी, एक खुद अंग्रेज और दूसरा राजे महाराजे। यहाँ के राजे महाराजे 20 सदी के बाद आधे अंग्रेज बन चुके थे, इसलिए आम जनता के लिए उनके मन में शायद ही कोई हमदर्दी बची थी। पर ऐसा भी नहीं था कि सभी राजे महाराजे ऐसे थे, उनमें से कुछ अच्छे भी थे। राजे महाराजों का लाला जी से क्या संबंध था ये थोड़ी देर में बताती हूँ। पर अब उस बात पर चर्चा करेंगे जब लाला ने भारत की तरफ से खेलते हुए शतक लगा दिया। जी हाँ, लाला अमरनाथ भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने साल 1933 में शतक ठोक दिया था, और वो भी खुद इंग्लैंड के खिलाफ भारत के सरजमीन पर। आपको जानकर हैरानी होगी, ये ना सिर्फ भारत का पहला शतक था बल्कि ये लाला अमरनाथ का पहला मैच था। उस वक्त उन्होंने 118 रन की पारी खेली, पर इसके बाद जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। 1936 तक लाला तीन टेस्ट मैच खेल चुके थे। इसी साल वे इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए। इंग्लैंड में पहुंचने के बाद विजयनगरम के महाराजा ने उन्हें वापस भारत भेज दिया, क्योंकि महाराजा का कहना था कि लाला मौजूदा पॉलिटिक्स के खिलाफ है, इसीलिए आरोप लगाकर उन्हें इंटरनेशनल मैच के लिए बैन कर दिया गया। पर अगले 12 साल तक वे घरेलू क्रिकेट खेलते रहे और 186 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए उन्होंने 10,426 रन बनाए। इसमें 31 शतक और 39 अर्धशतक भी शामिल हैं। फर्स्ट क्लास में उनकी कामयाबी देखते हुए उन्हें 1946 में फिर से टीम इंडिया में जगह मिली। फिर उसके अगले साल में वे आज़ाद भारत के टीम के कप्तान भी बन गए। आज़ाद भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया जिसके लिए आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। हुआ यूं कि पहली बार कप्तानी करते वक्त लाला ने महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रेडमैन को हिट विकेट के जरिए आउट कर दिया। आपको बता दूं कि सर डॉन ब्रेडमैन अपने जीवन में सिर्फ एक बार हिट विकेट के जरिए आउट हुए थे, और वो भी लाला अमरनाथ के कारण, क्योंकि लाला न सिर्फ अच्छे बैट्समैन थे बल्कि मीडियम गति के गेंदबाज भी थे। भारत को आज़ाद हुए 5 साल हो चुके थे, पर अब भी भारतीय क्रिकेट टीम कोई टेस्ट मैच जीती नहीं थी। 1952 के साल में वो पल आया जब भारत ने पहला टेस्ट मैच के साथ पहली सीरीज भी अपने नाम कर ली, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को क्रिकेट में हराने वाले पहले कप्तान भी लाला अमरनाथ ही थे। लाला ने अपने करियर के दौरान कुल 24 टेस्ट मैच खेले और 878 रन बनाए, साथ ही 45 विकेट भी चटकाए। उनके नाम बस एक शतक और 3 अर्धशतक हैं।
बेशक वे एक महान क्रिकेटर थे, पर उनके रनों की गति हमेशा कम थी क्योंकि वे 12 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे और जब वे वापस आए तब वे रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके थे। भले ही उन्हें ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला नहीं, पर उनके नाम जो रिकॉर्ड दर्ज है उसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। उम्र के 56वें साल में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला, पर उनकी पारी थमी नहीं, वे इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर भी थे। यही उन्होंने बोर्ड मैनेजर और कोच का पद भी संभाला था। उसके बाद वे कमेंट्री करते हुए भी नजर आए थे। लाला अमरनाथ के दोनों बेटों सुरिंदर अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ ने भी भारतीय क्रिकेट का नाम रोशन किया था। जब वे घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे तब 1938 के साल में उनकी शादी कैलाश कुमारी से हुई थी। क्रिकेट क्षेत्र में अहम योगदान के लिए भारत सरकार ने लाला अमरनाथ को साल 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। इसके बाद 5 अगस्त 2000 को 88 साल के उम्र में लाला जी का स्वर्गवास हुआ।